अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी मम्मी इन यूके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा एक कोटीमू का पैकेट आया है, तो मैं आपको पैकेज आया है तो बताती हूँ कि इसमें क्या है। और मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ क्योंकि ये रमज़ान है, और रमज़ान में जो है मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो है जल्दी जल्दी वीडियो बन जाए और हम लोग फारग हो जाएँ। मेरा जो बेटा है ये भी इस पैकेज को खोल रहा है, काट रहा है। नो बी अ लिटिल बिट अग्रेसिव, दैट्स इट। अभी हम इसमें तो देखते हैं कि इसमें क्या है। वन बाय वन इसमें से मुझे बिल्कुल याद भी नहीं है, बहुत देर बाद मैं ये खोलने लगी हूँ पैकेज, तो मुझे याद भी नहीं मैंने ऑर्डर क्या क्या चीज़ की थी। वो आई थिंक ये बच्चों के पैक लंचेज़ हैं और अच्छी पैकेजिंग में है, प्रॉपर जिप लॉक पैकिंग में। ये टू थे, इनको मैं खोल के भी दिखाती हूँ। दीज आर टू, दीज आर सॉक्स। ये किड सॉक्स हैं, ये बहुत अच्छे और चीप प्राइसेस पे मुझे मिले थे। मैं आपको प्राइसेस भी बताऊंगी कि मैंने कितने प्राइस में ये ऑर्डर किया है, क्योंकि प्राइसेस बहुत अच्छे थे इनके, तभी मैंने ये चीज़ें ऑर्डर की हैं। मैं ज़रूर आपको साथ में शो करूँगी टीमू ऐप से अपने ऑर्डर की पिक्चर लेके स्नैपचैट। और ये मैंने 3 बॉक्सेस एक्चुअली ऑर्डर किए हैं, लगता है कोई अच्छी डील लगी होगी तभी मैंने ये 3 किए हैं। मुझे इनके पैक लंचेस बड़े पसंद आए थे, मैंने पहले एक अपने बेटे के लिए ऑर्डर किया था, वो डिफरेंट था, वो बहुत अच्छा था, तो ये भी मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये 3 ऑर्डर कर लिए। उसके अलावा ये जो है ना, ये अक्सर हम लोग चाहिए, मैंने ना ऑर्डर किया था अपने ब्लैक हेड के लिए ये छोटा सा टूल। और ये हो गया ब्लैक हेड रिमूवर, रिमूवल इसमें ये है ना पॉइंटेड, इसको इसके साथ ब्लैक हेड पे थोड़ा सा हल्का सा इसको वो टच करके फिर हम इसके पीछे से इसको प्रेस करते हैं इस चीज़ से, तो वो ब्लैक हेड बाहर आ जाता है। तो अभी इसको मैं ये काम करूँगी। ये बहुत ही क्यूट मुझे लगी थी, छोटी सी साबनदानी, ये सोप होल्डर है। ये क्या होता है कि बच्चे जब सोप यूज़ करते हैं तो अक्सर बच्चे जो हैं वो इतना परवाह नहीं करते, और काफ़ी साबुन जो है ना वो अंदर ही गल जाता है अगर इसके नीचे ड्रेन ना हो, तो सिंक भी गंदा होता है, मेस्ड अप होता है। तो इसके नीचे ये जो है ऑलरेडी इसके कंटेनर है, और ये साबुन जो है इसके ऊपर ड्राई रहेगा। तो मुझे ये अच्छी लगी थी और मैंने बाय कर लिया। आई थिंक ये भी इतनी महंगी नहीं है, तो ये सब प्राइजेज मैं साथ अटैच कर दूँगी और आप लोग इसको देख सकते हैं। ये भी अंडर गारमेंट्स हैं, ये अंडरवेयर्स हैं, ये बच्चों के जो है ना ऑर्डर किए थे, ये जुराबें अंडरवेयर्स और सॉक्सेस। और ये है, ये बहुत अच्छा पीलर है और बिग पीलर है। ये जैसे कैबिज है ना, उसको हम बहुत अच्छे से ग्रेट कर सकते हैं। तो ये मैंने देखा था वीडियो, उसमें एक उसका ट्यूटोरियल बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो मैंने ये भी ऑर्डर कर लिया। ये भी बिल्कुल चीप सा है। अब चूँकि पहले टीमों का होता था कि मिनिमम 10 पाउंड की शॉपिंग करें तो तब ऑर्डर जो है वो आपका थ्रू होता था, अब ऑर्डर जो है वो मिनिमम 15 पाउंड की शॉपिंग होनी चाहिए तब जाके थ्रू होता है। और चलें, हाल ही हो गया पैक, अब मैं आपको दिखाती हूँ खोल के कि ये कंटेनर अंदर से है कैसा। ये इन्होंने सही तरह, ये जो है ये इन बच्चों का जो है पैक लंच बॉक्स है। देखिए कितने अच्छे से इन्होंने इसको बबल रैप किया, क्योंकि इनकी चीज़ें जो होती हैं ना इसी तरह आती हैं इस शॉपर में, तो ब्रेक होने का ख़तरा है। तो मेरे बेटे को ये बहुत पसंद आ गया है पैक लंच, मुझे इशारे कर रहे कि इट्स वेरी नाइस, यू कैन स्पीक इफ़ यू वांट, नहीं बोलना अच्छा। तो ये देखें, यू कैन टेक सीज़र, सीज़र से इसको कर लो। और अब मैं फील कर रही हूँ कि मैंने अच्छा किया ये लेके। ये एक्चुअली 2 पाउंड था जहाँ तक मुझे याद है, इसको आगे करो, 2 पाउंड समथिंग। इट्स वेरी नाइस, इट्स माई सन रियली लाइक इट, उसको बहुत अच्छा लगा है, कह रहे कि ज़बरदस्त।
और इसके ऊपर लंच बॉक्स भी लिखा है। इसके अंदर ये स्टीम वाली रबर भी लगा हुआ है, BPA-free भी है। इसके अंदर ये देखें सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं, स्पून भी है, फोक भी है। दैट्स रियली नाइस। देयर आर सो मच इनसाइड। यस, इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ की स्पून की प्लेस भी बनी हुई है और इसकी फोक भी की भी है कि अंदर ही एक साइड पे रह सकते हैं। और ये ऊपर हम फ्रूट्स रख सकते हैं, स्नैक्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और नीचे जो है ये भी क्वाइट गुड है इसकी स्टोरेज। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये बिल्कुल नीचे से फ्लैट है, तो ये कुछ भी इसके अंदर मिक्स अप नहीं होगा। जब हम अंदर चीज़ डालेंगे वो अंदर शेक नहीं करेगा, किसी मतलब आगे पीछे कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा, वो उसी में ही रहेगा ए जिसमें है पड़ा हुआ, जिस एरिया में। तो ये सेकंड, आई थिंक मेरी वीडियो पोज थी, मुझे शक पड़े कि हमने स्टार्टिंग से नहीं इसको कैप्चर किया था, तो इसलिए फिर इसको स्टार्टिंग से कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि ये अच्छी तरह पैक है। ये नहीं कि ये यूज्ड है, प्रॉपर सील हुए हुए हैं ये। फिर भी हम इन्हें अच्छी तरह वॉश करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक के जो होते हैं उनको हमें फ़र्स्ट यूज़ एवरी बर्तन को हमें बहुत अच्छे से धोना होता है। तो ये देखें जी कितना नाइस है। और ये सब मुझे इसी कलर में ही चीप मिल रहे थे, दूसरे कलर में थोड़े महंगे थे, तो फिर मैंने सब सेम ही ले ली, क्योंकि हर बच्चे के पास तो अपना ही बॉक्स जाना होता है। इनके जो इसके ऊपर जो बैग होते हैं वो तो डिफरेंट हैं। सो दीज ऑल आर रियली गुड। मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई है कि मैंने ये ऑर्डर किए थे, क्योंकि अक्सर टीमों पे हमें ना अच्छी, और इट्स अ क्वाइट हैवी एंड इट्स अ गुड वन। इट्स नॉट लाइक अ, ये ऐसे नहीं है कि जैसे बस ऐसे ही छिलका सी प्लास्टिक है। नो, ये टीमों से है, बट इट्स अ क्वाइट गुड क्वालिटी। इसका इवन ढक्कन इतना देख सकती हूँ कि कितना इसमें रबर लगा हुआ है, रबर सील, इतना हैवी से ये जो इसके अंदर स्टीम वाला ये रबर, ये भी मतलब इट्स अ वेरी गुड प्लास्टिक, इट्स वेरी गुड प्लास्टिक। मैं मेरी जो तवक्कुआत है ना, उससे ज़्यादा अच्छे ये निकले हैं। मुझे ये था कि ये जस्ट ऐसे ही हैं, और इसमें फ्रीज भी हो सकता है, डिश वॉशर सेफ भी है, और ये इस गुड, ये माइक्रोवेव में भी जा सकता है एंड इस फाइन। सो इसमें ये स्टोरेज है 1200 मिलीलीटर की, ठीक है। तो ये हो गया। और देखें इसमें हम बच्चे इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखें इन दोनों साइड से ये ऐसे अपने हैंड को करते हैं और ये निकल आता है, इतना आसान है। तो देयर यू गो, ऑल ऑफ दीज आर डन। माई सन इज़ ट्राइंग टू ओपन दैट एज वेल। ये जो छोटी सी है ना, दिस इज़ वेरी क्यूट एज वेल। इसको भी मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये ओपन हुआ इसके साथ डबल ट्रिपल पैकेजिंग में है, इसलिए क्योंकि ये ब्लेड्स हैं और ये शार्प हो सकते हैं और ये डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए दीज आर फॉर द कैबेज और लेटस। हम क्विक कट करनी हो ना चीज़ ज़्यादा जल्दी, तो इसका आगे से बिग बिग जगह एक साथ में ये काफ़ी ज़्यादा काट सकता है। इट्स वेरी नाइस, क्योंकि ये शो फोल्डर है, ये भी खोल के दिखाया जा रहा है। इट्स वेरी नाइस टू, दिस इज़ वेरी नाइस टू। सॉक्सेस, चलें सॉक्सेस ओपन करो। सॉक्स की क्वालिटी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है। ये बहुत चीप थी। इज इट गुड उमर? यह दे लुक्स नाइस। मैंने बच्चों का ये सॉक्स बहुत यूज़ होती हैं यहाँ पर, ये अंदर भी पहनते हैं घर में भी और कारपेट वगैरह पर, तो इट्स वेरी नाइस। इस साइज़ क्या है इसका साइज़? दिस इज़ नॉट 12 years old।
ये 9 से 12 ईयर ओल्ड के ये सॉक्सेज हैं, ठीक है। ये बड़े वाले हैं और इनमें डिफरेंट पैटर्न्स हैं। ये पैटर्न एंड आपको मटेरियल इसका दिखा देती हूँ, नाइस एंड सॉफ्ट। टीमू जो है, मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ से बाई की हैं। अगर आप सोच के देख के चीज़ लेते हो, दे आर रियली रियली गुड, पैटर्न्स आर रियली नाइस एज वेल। ये टेनिस इसका पैटर्न है ऑन द, और ये 23 फुटबॉल काइंड ऑफ, और एक प्लेयर टाइप की बच्चों की स्पोर्ट्स की, आई थिंक स्पोर्ट्स काइंड ऑफ सॉक्स हैं ये सब। और उसके अलावा ये दूसरी और सॉक्स भी हैं, दिस इज 9 to 13 ओके। ये भी अच्छी सॉक्स हैं, ये मैंने अपने छोटे बेटे के लिए मंगवाई हैं, छोटे बच्चे के लिए। सो ऑल ऑफ दीज पैटर्न्स, हाउ मच दीज आर, हाउ मच पेयर? 1, 2, 3, 4, 5 Yeah, these are really good as well. The different sizes. Yeah, the different sizes. 9, 13 Yeah. Yeah, these all are good. So, इनके जो है पैकेट्स वो भी गुड हैं स्टोरेज के। इनको वापस जिप में बैग में डाल दो, इनके अपने अपने जिप बैग में। That's it. All done. So guys, bye. I hope कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और काफ़ी अच्छी इसमें आपको आइडियाज़ मिल गए होंगे। मैंने टीमों से बॉटल्स भी, वाटर बॉटल्स भी ऑर्डर किए थे पहले, और पैक लंचेस भी मुझे बहुत पसंद आए थे, सो आई ऑर्डर्ड मोर। मैं अभी आपको फटोफट वो भी दिखा देती हूँ एक सेकेंड में कि वो बॉटल्स कौन सी थी और कैसी थी। ये आपको मैं एक और वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी इन बॉटल्स का रिव्यू दिया हुआ है, शायद मेरे चैनल पर वो होगी वीडियो, उसमें मैंने बॉक्सेस और ये जो है बॉटल्स इनका रिव्यू दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। इसके साथ वो भी थी होल्ड करने के लिए डोरी, बट वो मेरे बेटे ने ब्रेक कर दी है, तोड़ दी है, उसको फाड़ दिया। एक्चुअली तोड़ना, तोड़ तो नहीं सकते आप कपड़े को। तो ये देखिए कितनी अच्छी बॉटल है स्पोर्ट्स, और इतनी इसकी क्वालिटी इतनी गुड है, इतनी मज़बूत है, सो आई लाइक इट। ये देखें अंदर से ऐसे है, सो दीज आर गुड।